प्रेम शुक्ला जी, देखिए जब सब कुछ सही रहता है और पताका लहराता रहता है तो फिर किचकिच नहीं होती है, लेकिन एक बार मामला फिसले तो फिर सारी उंगलियां उठने लगती है और ऐसा ही हो रहा है। आपने ऑर्गेनाइजर का लेख पढ़ा होगा, लेख में लेके बैठी हुई है, इसमें आपको नसीहत दी जा रही है कि जब पहले से ही बहुमत था अजीत पवार को क्यों डाला। ये जो चक्की पिसिंग और ये सब जो था ना, ये मामला आपको लगता है कि अब उल्टा पड़ गया, क्योंकि आप ही के सारे साथी हैं, करीबी हैं, जो आपको ये समझा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, अजित पवार को लेकर खासी नाराजगी दिख रही है, राज ठाकरे भी यही समझा रहे हैं। जी देखिए अंजना जी, हार पर जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह का चिंतन करते हैं, जीत पर भी इस तरह का चिंतन होता है, जीत पर करतल ध्वनि ज्यादा होती है और हार पर जो है बहुत सारे लोग आत्मावलोकन की सलाह देते हैं। और जो हमारे यहां तो कहावत है ना, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, तो हमने तो निंदकों को अपने जो है निकट रखने का हमारा जो है पुराना जो है सिद्धांत है, कबीरदास के जमाने से है, भारतीय संस्कृति का अंग है, तो हम तो जो है निंदकों को कभी जो है गालियां नहीं देते, निंदकों को ऊपर नाराज नहीं होते, निंदकों को जो है गोदी मीडिया नहीं कहते, निंदकों के खिलाफ जो है किसी प्रकार का भी जो है हमला अगर इत्यादि नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी निंदकों का भी आदर करती है, लेकिन सत्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले अलायंस और कांग्रेस के नेतृत्व वाले अलायंस के बीच में महाराष्ट्र में सिर्फ 2,03,000 वोटों का अंतर है। कुल जो मत मिले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले अलायंस को और कांग्रेस के नेतृत्व वाले अलायंस को, और उसमें 288 सीटों का आप भाग कर दीजिए तो 1,000 के नीचे का ही अंतर बड़ी मुश्किल से है, और उस पर जो है इतना जबरदस्त अहंकार जिस तरह से सिर चढ़कर बोल रहा है और जिस तरह से विधान परिषद के चुनावों को लेकर ही आपस में रार हुई, ये आने वाले दिनों की इनकी रार के लक्षण है। हम तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, आदरणीय अजीत पवार जी, हम सब मिलकर जो है जो हमारे बीच में विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को दूर करने का सूत्र हमारे पास है, हम निश्चित तौर पर उन विसंगतियों को दूर कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से सांगली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खुलकर शिवसेना के लोगों को हराया, आनंद दुबे की तो बेचारी हिम्मत भी नहीं कि बोल दे, क्योंकि 13 सीट कांग्रेस आ गई है सांगली में, तो खुलकर ऐलानिया विशाल पाटिल के साथ लोग खड़े हुए और इनकी जो इंडी अलायंस का अधिकृत प्रत्याशी था उसको धूल दूषित किया और हराने के जैसे ही चुनाव का परिणाम आया वो फिर कांग्रेस का समर्थन लेके चले आए। ऑर्गेनाइजर समझा रहा है करके बताइएगा कि ये कौन सी मैत्री है, ऑर्गेनाइजर जो समझा रहा है उस पर बताइए ना, वो क्या समझा रहा हूँ अंजना जी, स्वागत है, हम तो स्वागत कर रहे हैं, तो आप लोग मान रहे हैं कि ये गलती हुई है, चूक हुई है, उसमें से जो हमको लेना है सार को गई रहे, नहीं वो कह रहे हैं तो उसमें से हमको जो सार लेना होगा ले लेंगे। आवश्यक नहीं है कि निंदक की सारी बातें सत्य हो, निंदक का जो अमृत तत्व है वो ले लेंगे हम, उसमें से जो हमारे काम का है वो ले लेंगे, सार को गई रहे थोथा दे भाई, तो उसमें से जो काम की चीज होगी उसको ले लेंगे हम। सापरा साहब वो कह रहे हैं कि जो काम की चीज होगी वो उससे सार ले लेंगे, लेकिन सवाल है कि ऐसी भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं है कि इन लोगों का एकदम सफाया हो गया और आप लोग एकदम बुलंद हो गए। ये बात सच है कि ज्यादा सीटें शिवसेना यूबीटी गुट की आई है, कम शिंदे गुट की, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी स्ट्राइक रेट बेटर है, इसका जवाब दुबे जी भी देंगे मुस्कुराते हुए, लेकिन पहले सापरा साहब से एक बार चर्चा हो जाए। देखिए अंजना जी, ऐसा है, मुझे लगता है कि जो एनसीपी अजीत पवार गठ है और भारतीय जनता पार्टी, दरअसल इनका जो गठजोड़ था ना वो अंग्रेजी में कहते हैं मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, यानी मतलब के हिसाब से वो विवाह हुआ था, और अब चुनाव के बाद में दोनों को ऐसा नजर आ रहा है कि शायद एक दूसरे की जरूरत नहीं है, इसलिए वो मुंबई की भाषा में कहते हैं मतलबी यार किसके खाए पिए खिसके, इस तरह का वातावरण जो है वो बन रहा है, ये खुलेआम नजर आ रहा है। और दरअसल मैं आपको बताऊं कि इसमें हुआ क्या है कि दोनों ने अपने अपने मकसद पूरे किए हैं। एनसीपी का मकसद था बीजेपी के साथ आने में कि हमारे कुछ केसेस जो चल रहे हैं वो वापस हो जाएंगे, यानी अजीत पवार साहब पे या प्रफुल्ल पटेल जी पे या छगन भुजबल जी पे या हसन मुशरिफ पर जो केस है वो चाहे ईओडब्ल्यू का हो या ईडी का हो या कोई आईटी का केस हो,
वो तमाम सारे क्लोजर इनको कराने थे, वो क्लोजर हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का और शाह जी का ये हेतु था कि हम पवार के परिवार में फूट डालें, वो उन्होंने फूट डाल दी, उन्होंने सुनेत्रा पवार को खड़ा कर दिया सुप्रिया सुले के सामने और दो फाड़ कर दिए एनसीपी के, तो उनका भी हेतु पूरा हो गया। तो मतलब ही यार किसके खाए पिए खिसके। लेकिन हुआ क्या है, हुआ यह है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो इसलिए नुकसान हुआ क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने ना तो गद्दारों को मदद की, ना तो गद्दारी कराने वालों को मदद की है। और भारतीय जनता पार्टी का जो ये बता रहे हैं कि नुकसान कम हुआ है, पिछली बार ये 25 सीट लड़े थे और उसमें से 23 जीत करके आए थे, अब 28 लड़े हैं और मात्र 9 जीत करके आए हैं, तो इनको उसमें नुकसान नहीं दिख रहा है। भाई महाराष्ट्र की जनता ने आपको नाकार दिया है, सीटों से ही गिना जाता है ना। आप परसेंटेज वो कहते हैं ना, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो आप दिल बहलाते रहिए। अब तो ऑर्गेनाइजर ने भी आपको कह दिया, और ऑर्गेनाइजर को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि अब आप कंक्लूजन लगा रहे हैं, बलि का बकरा बना रहे हैं अजीत पवार गट को, आप ढूंढ रहे हैं कि एक स्केप गोट हमको मिल जाए ताकि हम हार का ठीकरा जो है वो अजीत पवार पर फोड़ दें। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, शुक्ला जी से किसका जवाब? अपनी हार का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि 400 पार की वजह से हम हार गए, कि लोगों ने ये बिलीव कर लिया, ये मान लिया कि ये संविधान बदल देंगे। तो ये ठीकरा फोड़ने की राजनीति है, एक दूसरे को बलि का बकरा बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक, एकदम छोटा सा प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब। वो कह रहे हैं हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है एनसीपी पर, अजित पवार पर। जी अंजना जी, ये एकनाथ शिंदे जी अगर उद्धव जी को छोड़ के चले जाएं तो गद्दार हैं, अजीत पवार छोड़कर चले जाएं शरद पवार गद्दार हैं, तो सोनिया गांधी की विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार ने बगावत की तो भी गद्दार हैं क्या? तो शरद पवार को आप जो है आदि गद्दार कह रहे हैं क्या? आप कृपा करके बताइए। और मुझे चरण सिंह थपरा अच्छी तरह जानता हूं मैं कि आप लोग शरद पवार का पुतला फूंक रहे थे। जब शरद पवार अलग हुए थे तो मुंबई कांग्रेस के कैंपस में कांग्रेस के नेता शरद पवार का पुतला फूंक कर उनको गद्दार आज हम कह रहे थे, तो आप गद्दार आज वो गद्दार जो है खुद्दार हो गए। गजब आपकी परिभाषा बदलती है। मैं उत्तर दे दूं। अभी जो है उद्धव ठाकरे जी का एक बयान दे, अब हम थोड़ा सा आनंद दुबे जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि मामला इधर गर्म हो गया। सापरा साहब, ठीक ठीक सापरा साहब, सापरा साहब, सापरा साहब, राहुल गांधी को जूता मारना चाहिए। ये जो है श्रीमान उद्धव ठाकरे का बयान था। गजब मित्र, ये आ रहे हो क्लाइड साहब, आ रही हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। क्लाइड साहब आ रही हूँ, क्लाइड साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि शरद गुट के हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं। बागेश सारस्वत जी भी उनके पास भी चलेंगे, लेकिन जल्दी से एक रिस्पॉन्स इसका चरण सिंह सापरा साहब आप दीजिए। क्लाइड साहब इसके बाद आ रही हूँ, तुरंत आ रही हूँ। चरण जी जल्दी से, आपने कहा कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। यही कहना चाहता हूँ कि एक सेकंड, आपने कहा ये महायुति जो है ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, और ये महाविकास अघाड़ी क्या है? कोई कल्पना कर सकता था कि कांग्रेस और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में अलायंस हो जाएगा और वो शरद पवार को के खिलाफ पुतले फूके जाने की बात कर रहे हैं? अंजना जी हमने तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था ना अंजना जी, इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है क्या? रोज एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हर मुद्दे पर लड़ रहे हैं, कभी सीटों पर लड़ रहे हैं, कभी रोज की फाइलों पर लड़ रहे हैं। अरे भाई ये खोखे सरकार है अंजना जी, ये महाराष्ट्र की जनता ने समझ लिया है। और जब जनता ने रिजेक्ट कर दिया तभी भी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनका अहंकार देखो अभी भी चरम पर है, अभी भी वो मानने को तैयार नहीं है कि महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की जनता ने गद्दारों को, गद्दारी करने वालों को और गद्दारी करवाने वालों को, दोनों को रिजेक्ट किया। ठीक है, ये नहीं मानने को तैयार है। लेकिन अहंकार है, लेकिन 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 अरे कुछ नंबर्स आप भी सुनिए, चरण साहब आप भी सुनिए, आनंद दुबे जी उसके बाद से मैं आ रही हूँ, वागीश जी भी एमएनएस का पक्ष रखेंगे हमारे सामने। शिवसेना वर्सेस शिवसेना यूबीटी जब लड़ाई हुई, अगर वो ग्राफिक से दिखा दीजिए, 13 सीटों पर उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट मिस्टर दुबे आमने सामने थे, उनमें से 7 शिवसेना जीती और 6 सीटें उद्धव ठाकरे की का गुट जीता, ये आपको क्या बता रहा है? अंजना जी नमस्ते। नमस्ते। एक पुरानी पार्टी 60 साल पुरानी जिसका चुनाव चिन्ह तीर कमान, जिसका नाम शिवसेना, अगर चोरों ने मिलकर उसे चुरा लिया, हमसे छीन लिया, पीठ पे छुरा भोग दिया, हमें कम समय मिला एक नया नाम एक नया सिंबल लेकर, अरे इस हिसाब से जिस प्रकार ये महाशक्ति अपने आप को कहते, हमें तो एक सीट भी नहीं आनी चाहिए थी। इस विकट परिस्थिति में भी अगर 9 सीटें हमारी पार्टी ने जीती हैं इस कम समय में, तो ये 90 के समान होती है अंजना जी। अगर हमारे पास हमारा असली नाम शिवसेना, हमारे पास असली चुनाव चिन्ह हमारा अगर तीर धनुष होता तो वो बात ही अलग हो जाती। खैर छोड़िए,
एक कहावत है कि सुपवा तो बोले बोले छलनियों बोले, जिसपे 72 छेद। आज जमाना आ गया है कि एकनाथ शिंदे जी और राज ठाकरे जी बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि 400 पार के जुमले का नारा हमको ले डूबा, मतलब प्रधानमंत्री जी के नारे पर विश्वास नहीं रहा। राज ठाकरे जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार पार्टियों को तोड़ा और मरोड़ा गया उससे महाराष्ट्र की जनता नाराज है और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया। एक तरफ आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर कह रहा है कि अजीत दादा पवार को लेने की क्या आवश्यकता थी जब खुद इनके पास बहुमत था। एक तरफ आप कहते हो कि भ्रष्टाचारी पार्टी, भ्रष्टाचारी परिवारवाद, और बाद में आप उनको साथ में लेके मंत्री बताते हो। तो इनके महायुति में जो गड़बड़ झाला है, जिस प्रकार मतभेद है, ये हमें नसीहत दे रहे हैं? अरे भैया, 4 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, आपका सुपड़ा साफ होने वाला है, आपके पास सीटों का कोई ठिकाना नहीं है। इसके लिए आप अपना गुस्सा हमारे ऊपर क्यों उतार रहे? हम तो आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं साहब, चोरी छुपे कोई काम नहीं करते। हमने इस विकट परिस्थिति में अगर 9 सीटें लाई है तो विधानसभा में हम 100 का आंकड़ा पार करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता जान गई है कि जिस प्रकार उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में कोरोना में काम हुआ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी जाति सभी धर्मों का सम्मान हुआ, लोग उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व पसंद करते हैं। हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है साहब। MLC के चुनाव में थोड़ी सी मीठी नोकझोंक हुई थी, 2 घंटे बाद समाप्त हो गई। अब मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं, वाह वाह, सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, मीठी नोकझोंक, शिवसेना लड़ रही है, लेकिन आप क्या बताइए दुबे जी, आप करें तो मीठी नोकझोंक। अच्छा, आदरणीय सुनीता पवार जी जब राज्यसभा मांग रही थी तो न बीजेपी का कोई साथी था न शिवसेना का कोई साथी था, झगड़े तो आप क्या लगे हैं साहब, आप अपना झगड़ा हमारे ऊपर क्यों थोप रहे? ठीक है ठीक है ठीक है, क्लाइंट साहब, क्लाइंट साहब, इसके बाद में आ रही हूँ बागी जी। अंजना जी, जब बात कर रहे थे जब मैं बीच में नहीं बोल रहा था, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कोई बीच में ना बोले। अभी प्रेम भाई मेरे जूने मित्र है, मंझे हुए खिलाड़ी है, प्रवक्ता तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने एक कहा कि भाई शरद पवार साहब जो है सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल पे उन्होंने सवाल उठाए, ये बहुत ही गलत बात है। हमेशा से भाजपा वाले ये गलत बात करते। मुद्दा ऐसा था, मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूँ कि जब इशू वहां डिस्कस हो रहा था तो क्या क्या चीजें सवाल उठ सकते हैं, तो उनमें से एक चीज कहा था कि शायद ये हो सकता है, और उसके कारण कोई छोड़कर गया नहीं, उसके कारण कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जो लोगों ने गलत काम किया उनको कांग्रेस में भी अस्तित्व नहीं रहा, वो जूनी हिस्ट्री है, वो बात खींच खींच के करके इसमें कोई उसका मायने रखता नहीं है। दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं कि अजीत पवार जी की बात कर रहा हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, क्लाइड साहब, मुझे जो याद आ रहा है, शरद पवार ने अपनी चिट्ठी में स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स लिखा था कि बहुत हैं, तो वो क्या था स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट, आप बताइए क्या था स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट, क्या क्या मुद्दे उठ सकते हैं, उसमें से एक मुद्दा रखा था, और वो बात जूनी बात है, वो खत्म होगी। उसके बाद जो रिश्ते हैं वो दुनिया देख रही है, ये रिश्ते आते और ये रिश्ते जो है वो निकाल कर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार साहब, शिवसेना एकजुट मिलकर इनको नेस्त नाबूद कर दिया ना महाराष्ट्र में। आपकी बात ठीक है, आपकी और ये भी सच्चाई है कि 2 सीटों पर जहां पर आप एनसीपी और एनसीपी शरद पवार गुट आमने सामने थे, वहां पर दोनों सीटें आपकी जीती हैं, और ये साफ है। लेकिन आप इतिहास को नहीं बदल सकते ना, आप जो जिन वजहों से शरद पवार निकले, ओहो सवाल सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि आज बहुत अच्छा रिश्ता हमारा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि विदेशी मूल सोनिया गांधी का मुद्दा बनाकर ही शरद पवार ने, और उस वक्त 3 नेता निकले थे, तारिक अनवर साहब भी निकले थे, वजह से नहीं निकले थे, तो किस वजह से निकले थे आप बता दीजिए। देखिए, उस समय जो नेतागण थे वो षड्यंत्र रच रहे थे पवार साहब के साथ, उन्होंने ये मुद्दे को यहाँ वहां किया, तो उस वजह से, उन लोगों की वजह से छोड़कर गए, सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल के वजह से छोड़कर नहीं गए। ये सुन लीजिए आप बार बार, वो बात मत, आपकी बात आप करिए, मेरी बात मैं कर रहा हूँ, आपकी बात आपको जो करना है मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं आप मुझे रोक भी नहीं सकते, वो सच्चाई है। और दूसरी बात, अगर आप मुझे क्लाइड जी, मैं बस वजह समझना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी तक यही जानकारी थी पब्लिक डिस्कोर्स में। अगर सही जवाब है आप बताइए, लेकिन आप कह रहे कि कुछ नेता इधर उधर किए थे इसलिए पार्टी छोड़ दी है। अब शरद जी का जो कद है वो ऐसे नेता तो है नहीं कि 2-3 नेताओं ने इधर उधर की कर दी तो पार्टी छोड़ दी है। बताइए ना, वजह तो बताएंगे ना, बड़ी वजह रही होगी, ऐसे कोई कांग्रेस नहीं छोड़ता। वो जो लोगों ने बात भी की है ना, उसमें से लोग हयात भी नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हमको उनके बारे में बात ही नहीं करनी है। कांग्रेस वालों जो नेता थे उसके बारे में क्यों बात करें, वो हयात ही नहीं है।
और चरण सिंह छाबड़ा जी बरोबर जानते हैं मैं किसके बारे में बात करता हूँ। बात दूसरी रही, अजीत दादा पवार की बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अजीत दादा पवार का गलत इस्तेमाल हमेशा किया है। पहले कहते थे कि 70,000 करोड़ का स्कैम किया है, भ्रष्टाचारी कहते थे उनको। जब हम कहते थे, मैं खुद प्रवक्ता के नाते उनको डिफेंड करता था हमेशा कि ये 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार है ही नहीं। आज भी कहता हूं नहीं था भ्रष्टाचार, लेकिन भाजपा ने उनका नाम लेकर उनको उनकी उनका नाम खराब किया, उनकी इज्जत उतार दी और कह दिया कि 70,000 करोड़ का स्कैम है। अजीत दादा पवार जब उनके साथ गए उसके चार दिन पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि तो वो कोई नन्हे मुन्ने बालक तो है नहीं कि उनका कोई इस्तेमाल कर लेगा, वो भी करते रहते हैं कभी कभी सुबह सुबह शपथ ले लेते हैं। रुक जाइए क्लाइंट साहब, अरे बहस है साहब, भाषण थोड़ी है कि आप ही खाली बोलिएगा, और भी मेहमान।